यार राजीव, इतने बड़े स्कूल का प्रिंसिपल होना कोई छोटी बात नहीं है। तुझे पता है सोच समझ कर एडमिशन देना पड़ता है? आखिर इस स्कूल के रेपुटेशन का सवाल है यार। अच्छा मैं फोन करता हूं। कम इन। यूनिफॉर्म कहाँ है? सर वो आज छुट्टी ले रखी है तो आपसे जरूरी बात करनी थी। सर मेरे बेटे को भी एडमिशन मिल जाता हमारे स्कूल में तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। रहते हैं झोपड़ी में और ख्वाब महलों का देखते हैं। अरे भोला, तुम कहाँ अपने बच्चे की एडमिशन करवाना चाहते हो? यहाँ की फीस तो पता है ना तुम्हें? सर आप फीस की टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम पे भर दूंगा, आप बस एडमिशन दे दीजिए। देखो भाई बोला, बात फीस की भी नहीं है, बात है इस स्कूल की रेपुटेशन की, जो कि एक वॉचमैन के बच्चे को एडमिशन देने से कम हो जाएगी। इसलिए जाओ। लीव। नमस्ते सर जी। नमस्ते। मैं वो अग्रोहा स्टेट एजेंसी से आया हूँ। हो बैठिए बैठिए। तो सर आपको फ्लैट चाहिए था ना? हाँ भाई, इतने बड़े स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, पॉश एरिया में रहना तो बनता है ना। हाँ सर, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा फ्लैट देख चुका हूँ, मैं आपको भी दिखा दूंगा, फिर आप एडवांस दे दीजिएगा, मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा। मैं शाम को ही फ्लैट देख लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे छोटे लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहना है। ओ, घर तो काफी अच्छा है, लेकिन ये पेंट वेंट, ये लाइट वेट सब मैं चेंज करवाऊंगा। रजिस्ट्री की फीस तो मैंने भरी दी है, लाओ रजिस्ट्री के पेपर लाओ। कैसे पेपर सर जी? कैसे पैसे? आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे, समझे? सब बेईमानी मत करो तिवारी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता सर जी, पैसे तो देने पड़ेंगे रजिस्ट्री के लिए। थोड़ी औकात में रहो तिवारी, वरना वरना क्या, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? चुपचाप पैसे तो देने पड़ेंगे वरना। तिवारी तेरी हिम्मत कैसे है मेरे बॉस से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? हाँ, तू जैसे चाहता है कि नहीं? देखा आपने सर जी, जिस आदमी के साथ आपने तक गलत किया था, इसके बच्चे को इसी स्कूल में एडमिशन ना देकर, उस आदमी को आज भी आपकी कितनी चिंता है। तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैं जब पहली बार आपके ऑफिस में आया था तो इस वॉचमैन को रोते हुए देख लिया था, और औरों की पूछताछ से पता चला क्या थी पूरी बात। मुझे शर्म आता है कि आप जैसे प्रिंसिपल निकली हुई सोच रखता हो। मुझे माफ कर दो बोला। नहीं सर, नहीं, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम अपने बच्चे को कल स्कूल लेकर आना, मैं उसे एडमिशन दे दूंगा, और हाँ कोशिश करूंगा उसे स्कॉलरशिप मिले। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आपने बात की है सवाल आने की सर, तो ये लीजिए आप अपने फ्लैट के पेपर। गलत तो मैं भी नहीं था ये, लेकिन किया आपके आँख खोलने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी आँखें खोलने के लिए। दोस्तों, हम जिस समाज में रहते हैं वहां प्रिंसिपल को बच्चों का भगवान समझते हैं, लेकिन श्याम जैसा प्रिंसिपल हमारे देश में हो, जहां गरीब और अमीर का फर्क रखता हो, वहां कभी देश का विकास नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जरिए हम कुछ हद तक गरीब और अमीर के इस भेदभाव को कम कर सकते हैं। जय जय जय।